आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सरकार द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक नगर निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को शुक्रवार से शपथ दिलाने का काम शुरू होगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश संगठन ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में शपथ ग्रहण के मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि 762 में 760 नगर निकायों में चुनाव हुए हैं। इनमें 17 नगर निगमों के महापौर सीट पर जीत दर्ज करने के साथ ही भाजपा ने तमाम नगर पालिका पार्षदों और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर भी विजय हासिल किया है। इसलिए नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। साथ ही सरकार और भाजपा संगठन की ओर से इसके लिए सभी मंत्रियों के साथ ही स्थानीय पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। नवनिर्वाचित मेयर, अध्यक्ष, पार्षदों का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम कार्यक्रम होंगे जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि 762 में से 760 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं। बता दें, 17 नगर निगमों की महापौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया। नवनिर्वाचित मेयर, अध्यक्ष, सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा, जिसको लेकर कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियां जोरों से की गई हैं। बता दें कि आज नगर निगमों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं भाजपा के प्रदेश संगठन ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले निर्देश दिए हैं। बता दें कि 762 में से 760 नगर निगमों में चुनाव हुए, जिनमें 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ चुके हैं। राजन, नगर निगमों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा? देखिए, बिल्कुल, चुनाव के बाद में शपथ ग्रहण समारोह है और इसको लेकर जगह जगह जो कार्यक्रम है उसको लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से और संगठन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में मेयर सीट पर जो कब्जा जमा है वो भारतीय जनता पार्टी के हरिकांत आलूवालिया हैं, जो पूर्व में मेयर भी रह चुके हैं और वर्तमान में उन्हें जनता ने चुना है मेयर के लिए। तो आज शपथ ग्रहण समारोह है, 12 बजे से 12:50 तक शुभ मुहूर्त है, उस बीच ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं मेयर हरिकांत आलूवालिया को जो शपथ दिलाएंगे वो मेरठ के कमिश्नर सेल्वा कुमारी जय शपथ दिलाएंगे और उसके बाद में मेयर खुद 90 पार्षदों को, जो 90 वार्ड है मेरठ के, उन पार्षदों को वो शपथ दिलाएंगे और उसके बाद में जो आगे का कार्यक्रम है वो तय किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश की तर्ज पर मेरठ में विकास को लेकर जो ये चुनाव हुए हैं इसी की तर्ज को शपथ ग्रहण समारोह लिया जाएगा और शपथ ग्रहण के बाद में जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि मेरठ को बहुत तेजी से विकसित करने का काम जो है प्रदेश सरकार कर रही है और मेरठ ही जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं उनको बहुत तेजी से विकसित करने का काम किया जा रहा है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो नाली हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, इन तमाम जो जन सुविधाएं हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने बिल्कुल जिम्मेदारी पर खड़े उतर रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह के बाद में मेयर खुद पार्षदों के साथ में और नगर निगम के अधिकारियों के साथ में और पुलिस और प्रशासन के साथ में मीटिंग करके आगे की जो है विकसित कार्य विकास को लेकर, मेरठ के विकास को लेकर चर्चा की जाएगी, उसको लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो जगह जगह कार्यक्रम होने हैं, होर्डिंग लगाकर फिलहाल मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ये शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री नरेंद्र कश्यप जो गाजियाबाद से है वो यहाँ पर शिरकत करेंगे और उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह शुरुआत होगा। तो वहीं सेल्वा कुमारी जे जो है मेयर को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद में मेयर खुद 90 वार्डों के पार्षदों को शपथ दिलाएंगे और आगे के कार्यक्रम जो है उसके बाद में तय किए जाएंगे। तो मेरठ को विकास को, मेरठ के विकास जो है रफ्तार देने के लिए ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन है। लोगों को ये बताने का मैसेज है कि प्रदेश सरकार
किस तरीके से लोगों की सेवा में है और किस तरीके से विकास कार्य को गति देने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। और शपथ दिलाने का मकसद सीधा सीधा यह है कि कोई भी जो व्यक्ति जो चुने गए हैं जनप्रतिनिधि, वो अपनी जिम्मेदारी पर खड़े उतरेंगे, जो उनका दायित्व है वो उस दायित्व के हिसाब से काम करेंगे और प्रदेश सरकार की तर्ज पर मेरठ को जो विकसित करने का काम करेंगे। राजन जी, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, इसको लेकर तैयारियां कैसी अभी देखने को मिल रही है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? देखिए, मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और 11 बजे इसकी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। वहीं 12 से लेकर 1 बजे तक शुभ मुहूर्त है। वहीं पुलिस और प्रशासन की तरफ से जगह जगह बैरिकेड लगा के चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ा है। इसमें MLC, विधायक, मंत्री, सांसद, भाजपा के कुल मिला के दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे और 90 वार्डों के जो पार्षद हैं वो पार्षद इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। उनकी शपथ ग्रहण समारोह के बाद में मेरठ को विकास की गति दी जाएगी और वहीं जगह जगह होर्डिंग लगाकर लोगों को ये मैसेज देने का काम किया है प्रदेश सरकार ने कि प्रदेश में जिस तरीके से विकास की गति है वो तेजी से चल रही है, उसी तरीके से मेरठ भी उस रास्ते पर दौड़ेगा और बहुत तेजी से मेरठ को विकसित करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि मेरठ ही नहीं, तमाम जिलों में, तमाम जनपदों में मेट्रो रेल का काम हो रहा है, तो उसमें मेरठ भी शामिल है। मेरठ में भी मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है कि माना जा रहा है कि 2024 या 2025 तक मेरठ में जो मेट्रो का काम है वो पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो आगे के विकास कार्य है वो भी बहुत तेजी से जो है जनप्रतिनिधि अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। शासन और प्रशासन उसे मिलकर संयुक्त रूप से जो है कार्रवाई करके मेरठ को विकास कर रहे हैं। जी, धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, नगर निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को शुक्रवार से शपथ दिलाने का काम शुरू हो रहा है और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से कर ली गई हैं, जिसमें आपको बता दें कि मेयर, अध्यक्ष, सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, तमाम कार्यक्रम होंगे। बता दें, वहीं भाजपा के प्रदेश संगठन ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में निर्देश भी दे दिए हैं। और सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, नगर निकायों के निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को आज से शपथ दिलाने का काम शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज जो है यहाँ का शपथ ग्रहण जो है लगभग 11:30 के बीच में शुरू हो जाएगा, जिसमें जो है 25 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है नगर पालिका को लेकर, उसी को लेकर तैयारी यहाँ पे जोरों पे चल रही है। मुख्य अतिथि के तौर पे जो है आशीष पटेल रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते चले, हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं, हम उनसे यहाँ पे चर्चा करेंगे किस तरह की तैयारियां, क्या व्यवस्था को लेकर आप चल रहे हैं। जी देखिए, व्यवस्था की बात अगर कही जाए तो कल से तैयारियां पूरी तरह चल रही हैं। आज नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल और उनके साथ 25 सभासद 12:10 पर उनका शपथ ग्रहण प्रारंभ होगा। आशीष पटेल जी मुख्य अतिथि के रूप में सबसे पहले नगरपालिका अध्यक्ष शपथ लेंगे, उसके बाद 25 सभासदों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके पहले बंबई के मशहूर जो है भजन गायक हैं वो मंच पर हमारे होंगे, वो इस कार्यक्रम को, क्योंकि एक हमारी परंपरा है जो सांस्कृतिक परंपरा, उसके तहत होगी। सबसे पहले जब अध्यक्ष आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति पे अनावरण करेंगे, इस पे माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर पंडित रामदास त्रिपाठी जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पश्चात वो मंच पर आएंगे और फिर उनका शपथ ग्रहण प्रारंभ होगा। चार नगर पंचायत का भी चुनाव हुआ था, उसको लेकर शपथ पे क्या तैयारियां जी? आज भी उसी तरह का, क्योंकि आज ये कहा गया था कि 26 अथवा 27 दो दिनों में से एक पूरे प्रदेश में शपथ होना था, तो सुल्तानपुर की जिलाधिकारी ने एक निर्देश जारी किया था कि आज की तिथि पर जो है यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष का और साथ ही चारों जो नगर पंचायतें वहां पर भी जो है आज के दिन शपथ ग्रहण होगा, तो उसी क्रम में होगा और हर नगर पंचायतों पर उसकी पूरी तैयारियां चल रही है और वो व्यवस्थाएं हैं। खासतौर से अगर सुल्तानपुर की बात की जाए तो पंडित रामदास त्रिपाठी सभागार यहाँ का ऐतिहासिक स्थल है और इसी स्थान को, क्योंकि इसको जहाँ साहित्य से जोड़ा जाए सुल्तानपुर को, जहाँ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जाए, तो एक संकल्प के साथ जो है कि अब हम जब शुरुआत करें रामप्रसाद बिस्मिल जी की शुरुआत के स्थान से पंडित रामदास त्रिपाठी के, उस संकल्पों को लेके जो सुल्तानपुर की थाती रही, यहाँ की धरोहर रही है कि जिस तरह की संस्कृति समाज को जोड़ने के लोग रहे हैं, उसी को लेकर के आज यहाँ का स्थान चयन किया। जी नगर पालिका की जिम्मेदारियां तो लगातार अनवरत चलती रही है, लेकिन नए अध्यक्ष की जिम्मेदारियां आज से प्रारंभ हो जाएंगी। शपथ के साथ ही आज के बाद उनका वो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी जो लोगों ने वादा किया, उन्होंने लोग उनसे अपेक्षा करेंगे कि उनके घरों पर साफ पानी हो, उनके दरवाजे पर साफ साफ
सफाई हो, व्यवस्थाएं हो, नगर सुंदर हो, स्मार्ट सिटी की ओर बढ़े, ये सारी उनसे अपेक्षाएं होंगी। कितना इन अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं ये प्रवीण अग्रवाल जी की आगे की होगा, लेकिन दो बार की लगातार दो टर्म वो रहे हैं, 10 साल उनका रहा है, तो एक लंबा अनुभव उनके साथ है। तो मैं मान के चल रहा हूँ उस अनुभव को लेकर के जब वो आएंगे तो पहले से उनका होमवर्क करते। अच्छा, दूसरी प्रवीण अग्रवाल जी की खासियत रही, जिस दिन वो जीते उस दिन से उन्होंने होमवर्क शुरू कर दिया कि हमें क्या करना है। तो तैयारियां सिर्फ उनके इंप्लीमेंट का है, और यहाँ की नगर पालिका की टीम भी अच्छी है, लोग अच्छे हैं, सुल्तानपुर के लोग अच्छे हैं जो सहयोग करते हैं हर तरह की व्यवस्थाओं में, तो उसी सहयोग के साथ है। और आज भव्य जो समारोह एक तरह का है, वो इसको बड़ा भव्य समारोह बनाने की तैयारी है, क्योंकि एक लंबी लगभग 19,000 का जो अंतर से जीत है, तो जितना ऐतिहासिक जीत है उतना ऐतिहासिक और भव्य इस शपथ ग्रहण समारोह को बनाने की तैयारियां है। जिस तरह इन्होंने बताया है शपथ को लेकर भव्य तरीके से जो है यहाँ पे आज समापन किया जाएगा, उसी के बाद जो है नगर पालिका अध्यक्ष एक बैठेगा वहाँ पे, वो उसी के जरिए जो है हर वार्डों की समस्या को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और समस्याओं के साथ साथ जो है सबकी भविष्य को लेकर वहाँ पे बात करेंगे वो। आशुतोष, सुल्तानपुर में जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा वहाँ आप मौजूद है, एक बार तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश करें, कैसी तैयारियां की गई है। जी बिल्कुल, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तैयारी को लेकर, जिस तरह पूरी तैयारी चल रही है, तैयारी एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे पूरा वो नजारा दिखा देगा बोर्ड को लेकर, और जिस तरह पूरी ये तैयारी चल रही है, तैयारी के साथ साथ देख सकती है आप बिल्कुल यहाँ पे पूरी व्यवस्था के साथ जो है, और जिस तरह बारिश का मौसम भी बना हुआ था, बारिश के मौसम के साथ साथ जो है पूरी जो है व्यवस्था भी की गई है, राहगीरों को जो है कोई दिक्कत और समस्या भी ना हो, यहाँ पे पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल दी गई है। जी धन्यवाद आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये आप सुल्तानपुर से तस्वीरें देख रहे थे जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। बता दें कुछ ही देर में नगर निकायों के निर्वाचित महापौर अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ दिलाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण का आज कार्यक्रम हो रहा है और इसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश संगठन ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिले में निर्देश भी दे दिए हैं, तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, नगर निकायों के निर्वाचित महापौर अध्यक्ष और पार्षदों को आज से शपथ दिलाने का काम शुरू हो रहा है, कानपुर में कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? और वही महापौर जो है वो देखा जाए तो 1,25,000 वोटों से विजयी होने के बाद महापौर जो है कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसको लेकर पूरी तरीके से शासन खंड पूरी तैयारी है। पर अगर बात की जाए तो मौसम जो है वो आज थोड़ा सा हल्का। उपेंद्र, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें नगर निकायों के निर्वाचित महापौर अध्यक्ष और पार्षदों को आज से शपथ दिलाने का काम शुरू हो रहा है और शपथ ग्रहण को देखते हुए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। बता दें नव निर्वाचित मेयर अध्यक्ष सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जगह जगह इसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई हैं। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, नगर निकायों के निर्वाचित महापौर अध्यक्ष पार्षदों को शपथ दिलाने का काम शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां? अगर बात करें तो तैयारी पूरी तरीके से मोती जी लॉन लॉन नंबर 3 पर जो है पूरा शपथ ग्रहण तैयारी चली गई है। और बात की जाए तो उसमें जो सुबह से जो डिप्टी सीएम जो है वो विजय पाठक और विधानसभा अध्यक्ष जो सतीश माना जो है उनके प्रोटोकॉल में अगर बात की जाए तो कानपुर का निकाय नगर निगम चुनाव सतीश माना के सदनों से वो तक पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे थे। और उसके बाद जो प्रभारी नंद गोपाल नंदी जो है वो कल जो है शपथ ग्रहण समारोह में पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे तार चौवन के लिए गए हैं, और आज जो हल्की सी बूंदाबांदी बारिश जो हुई है उसको लेकर जो है लान को सुखाया जा रहा है, क्योंकि पानी भर गया लाइन में, और पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है और शपथ ग्रहण समारोह सफल रहेगा। उपेंद्र, सुरक्षा के कैसे इंतजाम अभी देखने को मिल रहे हैं, और ये जो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है कितने बजे तक शुरू हो सकता है?
जी अगर बात की सुरक्षा शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए तो जो कल जो है उसका डिप्टी सीएम का जो प्रोटोकॉल है वो 10:30 बजे के बाद का है, और उसके बाद जो है नंद गोपाल नंदी जो कानपुर के प्रभारी बनाए गए हैं वो और सतीश माना जो विधानसभा अध्यक्ष है ये लोग जो है 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी करने के लिए, और जगह जगह बात की जाए तो प्रमुख चौराहे पे, और चौकी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो है कानपुर गढ़ रहा है, और इसमें शपथ ग्रहण समारोह में आज जो मतदाता था जो कार्यकर्ता है और जो आम पब्लिक है वो पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। जी धन्यवाद उपेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ये हम आपको जगह जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। बता दें नगर निकायों के निर्वाचित महापौर अध्यक्ष पार्षदों को आज से शपथ दिलाने का काम शुरू हो रहा है, जिसमें नवनिर्वाचित मेयर अध्यक्ष सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, होर्डिंग लगाई गई है सड़कों पर, कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। बता दें नगर निकायों के निर्वाचित महापौर अध्यक्ष पार्षदों को शुक्रवार से ही यानी कि आज से शपथ दिलाने का काम शुरू हो रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश संगठन ने दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिले में निर्देश भी दे दिए हैं। बता दें कि 762 में से 760 नगर निकायों में चुनाव हुए, जिनमें 17 नगर निगमों में भाजपा ने जीत हासिल की। बता तमाम नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर भी विजय हासिल किया। वहीं शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां भी की गई हैं, साथ ही सरकार और भाजपा कार के स्थानीय पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि नगर निकायों के निर्वाचित महापौर अध्यक्ष पार्षदों को शुक्रवार को शपथ दिलाने का काम शुरू हो गया है, तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचित मेयर अध्यक्ष सदस्यों का शपथ ग्रहण आज होगा। बता दें सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, सड़कों पर होर्डिंग लगाई गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ चुकी है। सुहानी, नगर निकायों के निर्वाचित महापौर अध्यक्ष और पार्षदों को आज से शपथ दिलाने का काम शुरू हो रहा है, लखनऊ में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी मैं भी आपको बता दें कि आज जो नगर निगम निकाय का जो चुनाव हुआ था, आज लखनऊ समेत तमाम उत्तर प्रदेश के जिले में जो नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका में जो मेयर नगर और चेयरमैन और जो पार्षद का जीत हुई है उस पर आज शपथ दिलाने की पूरी आज तैयारियां कर ली गई है। बता दें आपको कि मंगलवार को ही जो अधिसूचना जो था वो जारी कर दिया गया था। निकाय चुनाव के गठन का जो अधिसूचना है वो जो केंद्र जो सरकार थी जो राज्य सरकार है वो जारी कर दी, और आज जो शपथ ग्रहण करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो 12:30 बजे से जो शपथ दिलाने की कार्य पूरा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में करीब शहर के करीब 1500 लोगों को आमंत्रण दिया गया है, और इसको बता दें एक एक पार्षद के 5 लोगों के साथ कार्यक्रम किया जाएगा। जी अब वही बता दें कि उसकी पहली बैठक जो है मेरी 23 जून को होगा, जो नगर कार्यकारी का चुनाव किया जाएगा। वही आपको बता दें मयूरी की इससे पहले संहिता जो पूर्व नगर जो अधिकारी थी कि संहिता भाटिया जो लखनऊ की मेयर थी, अब वही दूसरी बार जो महिला फिर से सुषमा खरीवाल जो बनने जा रही है आज शपथ ग्रहण करेंगी। बता दें कि लखनऊ के लिए ये बहुत एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि दूसरी बार मेयर जो है वो भी हमारे जो उत्तर प्रदेश के संहिता भाटिया बनने जा रही हैं। वही आपको बता दें कि इस नगर निगम के 17 सीट से 17 आपको पूरे 17 जीत जो है
बीजेपी को मिला था और कहीं ना कहीं इस बार नगर निकाय पर जो फतह हासिल की है बीजेपी उसे लेकर बड़ा एक ऐतिहासिक आज दिन है। वही आज यहाँ के जो डीएम हैं वो इसके शपथ जो ग्रहण आज शपथ दिलाएंगे उनको। तो इसे तमाम ऐसे जानकारियाँ जो मिल रही है शपथ ग्रहण करने का उसमें से तमाम मुख्यमंत्री जो इसमें दोनों मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वहीं तमाम जो राज्य आज उत्तर प्रदेश के जो राज्यों में अलग अलग जाके और उनके शपथ पार्षदों का शपथ ग्रहण कराया जाएगा। जी मयूरी जी, सुहानी जैसा अभी आपने बताया शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बड़ा ही ये खास रहने वाला है, बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया है, किस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? जी मेरी आपको बता दें कि आप देख सकते इसमें कि 1500 लोगों के इसमें आमंत्रण किया गया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है इसको लेकर बहुत ज़्यादा सावधान देते हैं और इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से जो पुलिस कर्मी है वो तैनात है, क्योंकि इसमें बता दें कि नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगम के जो पार्षद है नगर मेयर है वो भी उपस्थित है और यहाँ के जो डीएम है वो शपथ ग्रहण करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है तैनात किया गया है और 12:30 बजे से इस पे जो है आपको बता दें शपथ ग्रहण कराया जाएगा। और वही अगर 23 जून तक जो पहली बार जो है वो बैठकें बुलाई जाएगी, क्योंकि इसी से 5 सालों का कार्यों का पूरा ब्यौरा किया जाएगा और नगर निगम के जो कार्य है उसको लेकर पूरा उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है पूरी तरह से इसका दिशा निर्देश देंगे। क्योंकि जो नगर निगम का चुनाव था कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव का एक लिटमस पेपर माना जाता था, तो अगर नगर निगम चुनाव के जो पार्षद है मेयर है अगर वो अच्छे से काम करें तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य का विकास होगा। और इसके लेकर 23 जून तक एक जो बैठकें होगी उसमें दिशा निर्देश दिया जाएगा और तमाम आपको बता दें कि कार्यों का विवरण लिया जाएगा। जी मयूरी जी, धन्यवाद सुहानी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें नगर निकायों के निर्वाचित महापौर अध्यक्ष पार्षदों को आज से शपथ लाने का काम शुरू हो रहा है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई हैं, वहीं लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह बेहद ही खास माना जा रहा है। 1500 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है और इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर यह शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा। भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई हैं। कानपुर को एक नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने में बहुत ही कम समय रह गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर की जनता को नई सौगात देने जा रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें साथ ही कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के शुभारंभ पर शुक्रवार को 4,500 लाभार्थी पहुंचेंगे और सीएम योगी का संबोधन सुनेंगे। इन एयरपोर्ट का दौरा भी कराया जाएगा। साथ ही हेपीएस आवास, स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों के लिए अलग दीर्घा बनाई गई है और सभी को लाने और छोड़ने के लिए अवसर लगाए गए हैं। वहीं इस उद्घाटन समारोह में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी और इसके साथ ही कई और विभागों के राज्य मंत्रियों के भी आने की संभावना है। साथ ही साथ मुख्य सचिव समेत अन्य शासन के अफसर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बता दें कानपुर को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। नए एयरपोर्ट की सौगात कानपुर की जनता को मिलने वाली है। मेरे सम्मानित मीडिया साथियों के माध्यम से कानपुर के सभी सम्मानित निवासियों को और कानपुर के आसपास के जनपद के सम्मानित निवासियों को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उनके जो 10 साल का एक सपना था, 10 साल का एक इच्छा था कि कानपुर शहर में भी एक अपना एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग हो, जहाँ से भी देश के महत्वपूर्ण बड़े शहरों के लिए एक सीधे कनेक्टिविटी मिल जाए। क्योंकि अगर कानपुर देखेंगे तो एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी है, एक बड़ा बिजनेस हाउस भी है, एक मेट्रो सिटी भी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट का बिजनेस हाउस का बहुत सालों से इच्छा था कि यहाँ पर कनेक्टिविटी हमें मिल जाए, तो वो अभी एयरफोर्स में ही जो है एयरपोर्ट था तो उसका एक अपना एक लिमिटेशन था। अब जो है उसको सब खत्म करते हुए अब नया एयरपोर्ट बिल्डिंग जो है बन के खड़ा हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, कानपुर को एक नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है।
बता दूं कि कुछ ही क्षण बाद सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही उनके केंद्रीय उड़यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके जी रहेंगे और उसके अलावा कानपुर के विधायक व विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इसमें रहेंगे और साथ ही जो कानपुर का प्रभार नंद गोपाल नंदी जी को है लगभग 36 लोग वीवीआईपी हैं जो कानपुर में आज मौजूद हैं और इस बड़ी सौगात के लिए सभी लोग मुखदर्शी होंगे। और इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से कानपुर एयरपोर्ट को लेकर समय समय पर विवादों में घिरा रहा उसके अलावा जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ कानपुर के एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों पर काफी नाराज हुए थे लगभग 3 कंपनियों को इसमें ब्लैकलिस्टेड किया गया था ताकि के देर काम की वजह से। इसके अलावा बता दूं कि दिसंबर 2019 में एयरपोर्ट का फिर से रिनोवेशन का काम चालू हुआ था और लगभग कुछ ही 18 महीने दिए गए थे काम के लिए लेकिन ये जो एयरपोर्ट है 42 महीनों में तैयार हुआ है। मैं बता दूं कि पिछले साल 48% ही काम हो पाया था लेकिन जब योगी आदित्यनाथ इस पे नाराज होने के बाद फटकार लगाई तब जाकर मात्र 10 महीने के अंदर 52% काम पूरा कर लिया गया था। इसके अलावा बता दूं कि लगभग जो पुराना एयरपोर्ट था पुराने एयरपोर्ट के अनुसार के बदले कानपुर में लगभग 16 गुना जितना पुराना था उसके लगभग 16 गुना ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट मिला है तो कहीं ना कहीं कानपुर वासियों के लिए और कानपुर के आसपास क्षेत्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है ताकि लोग आसपास के क्षेत्रों में इस तरीके से चाहे उन्नाव हो और चाहे कानपुर देहात हो उरई हो और चाहे फतेहपुर हो या आसपास के जो भी एरिया है इसका फायदा उठा सकेंगे क्योंकि कानपुर अक्सर माना जाता है कि इंडस्ट्रियल हब है और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है सबका एक कहना था कि कानपुर में बड़े एयरपोर्ट होना चाहिए लेकिन जिस हिसाब से सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस हिसाब से कानपुर के एयरपोर्ट को लेकर जिस प्रकार से सतर्कता दिखाई थी तो कहीं ना कहीं कानपुर वासियों के लिए बड़ा खुशखबरी का समय। अनिल, ये जो कानपुर का नया एयरपोर्ट है इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं और जनता को क्या कुछ इससे लाभ होगा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पहले का जो एयरपोर्ट था बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था, बस एक या दो फ्लाइट यहाँ पे रुका करती थी लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से एयरपोर्ट बनाया गया है लगभग 48 महीने में तैयार हुआ है और लगभग जो इसका रनवे बनाया गया है काफी बड़ा रनवे बनाया गया है ताकि देश की जो सुरक्षा को लेके जो फाइटर प्लेन वगैरह होते हैं उनको उतारने की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है और चाहे कोहरा हो चाहे रात हो किसी भी समय यहाँ पे फाइटर प्लेन या तो फ्लाइट उतर सकती है क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे तकनीकी का प्रयोग किया गया है बहुत ही हाइपर तकनीकी का यूज किया गया है ताकि किसी प्रकार की किसी कोई समस्या ना आए और लगातार इस सुचारू रूप से चलती रहे। हालांकि कुछ दिन पहले जब विमान कंपनियों को नुकसान हो रहा था तो अपनी कंपनी विमान कंपनियां जगह जगह से अपनी फ्लाइटें बंद कर रही थी उसी के विपक्ष में जिस हिसाब से कानपुर में नया एयरपोर्ट चालू हो रहा है तो कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि जिस हिसाब से विमान कंपनियां घाटे में जा रही है कंपनियों घाटे के चलते अगर कानपुर में लगातार इस पैसेंजर्स की संख्या मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर होगी। इसके अलावा बता दूं कि लगभग यहाँ पे जो 8 एंट्री गेट बनाए गए हैं या 8 एंट्री गेट के अलावा जिस हिसाब से आज कानपुर में लोगों को लगभग 4,500 लाभार्थी भी बुलाए गए हैं 4,500 लाभार्थी जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई ऐसे लाभार्थी होंगे जिनको आज योगी आदित्यनाथ उनको पुरस्कृत करेंगे और उनको उनकी जो भी उपहार है वो दिया जाएगा। साथ ही जिस हिसाब से बता दूं कि 3 लेयरों में कानून यहाँ की व्यवस्था की है क्योंकि आज कानपुर में वीवीआईपी मूवमेंट काफी है वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 22 मजिस्ट्रेट अलग अलग गेटों पर लगाए गए हैं और लगभग 6,500 लोग इस वीवीआईपी मोमेंट इस वीवीआईपी और इस सुरक्षा घेरे से निकलेंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चारों तरफ से चप्पा चप्पे पे ड्रोन कैमरे और कैमरे हैं एकत्रित कर दिए गए लगा दिए गए ताकि किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो क्योंकि अभी इलाहाबाद में ही कुछ समय पहले अतिक हत्याकांड के बाद जिस हिसाब से वो पत्रकार बनकर पहुंचे थे तो उस हिसाब से काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो भी उसमें जो भी लाइव किया जाएगा एक लिंक प्रोवाइड कराया गया है उसे लिंक के माध्यम से ही पूरी लोकेशन देख सकेंगे क्योंकि किसी भी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। एक एरिया बनाया गया है जहां से मुख्यमंत्री सभी जनता को उद्घोषण करेंगे और सुनेंगे और देखेंगे। जी धन्यवाद अनिल हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
नए संसद भवन के उद्घाटन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। बताया जा रहा है कि याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है और नए संसद भवन पर केंद्र सरकार के साथ अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मिलाकर 25 दल हैं। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार की विपक्ष की मुहिम से कई दलों ने किनारा कर लिया है। बसपा, जदएस और तेलुगु देशम ने बृहस्पतिवार को समारोह में शामिल होने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि यह जनहित का मुद्दा है, इसका बहिष्कार करना गलत है। बता दें, नए संसद भवन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने को लेकर यह सुनवाई होनी है। बता दें, और इस खबर पर हमारे संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ चुकी हैं। सुहानी, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी? जी मयूरी, आपका बता दें कि ये जो संसद भवन के उद्घाटन के लिए जो ये पूरा वकायदा हुआ है, आपको बता दें कि 21 मई को राहुल गांधी ने इस पे एक ट्वीट किया था। उनका कहना है कि जो ये संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसका जो प्रधानमंत्री इसका इनका हक नहीं है। ये जो उद्घाटन है वो हमारे राष्ट्रपति को करना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू जी को करना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जो है देश के एक पहली जो व्यक्ति हैं और उनको कहीं ना कहीं संसद पर उनका अधिकार भी है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको किसी भी सदन को बुलाना, उनको सत्रों करना अधिकार होता है, वही वो संसद को और लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति रखती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उनको ही उद्घाटन इसका करना चाहिए और इसी को लेकर तमाम में से जो जितने भी विपक्ष दल है उसको बहिष्कार करने के लिए एक मोर्चा खड़ा कर दिए हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रपति अगर इसका उद्घाटन नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान का ये उल्लंघन हो रहा है और संविधान को अपमानित किया जा रहा है। वही आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको आदिवासी जाति को लेकर भी ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो नीच जात का अपमान करती है तो उसको भी लेकर जो है पूरी तरह से जो विपक्ष दल है वो केंद्र सरकार को घेर रही है। और वही अब ये मामला जो बता दें आपको मयूरी कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है जया सुप्रीम वाने, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राष्ट्रपति होता है उनका जो पूरा अधिकार जो है संसद पे होता है और जो उसका उद्घाटन है वो संसद वो राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति का अपमान है और वहीं हमारे संसद का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो देखा जा रहा है कि ये पूरी तरह उतने जो विपक्ष दल है वो पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि 28 मई को जब संसद भवन का उद्घाटन होगा तो वो जाके संसद भवन के बाहर इसका बहिष्कार करेंगे और उनका तमाम जो विपक्ष दल है वो उनके साथ है और सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हमारे राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि शपथ समारोह में वो विपक्ष दल पूरी तरह से जाने से लिए वो इनकार कर दिए हैं। उनका यही कहना है कि अगर शपथ समारोह में राष्ट्रपति शामिल नहीं होंगी तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। जी मयूरी सुहानी, ये जो नए संसद भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम होगा उसमें कितने दल शामिल हो सकते हैं? जी मयूरी, आपको बता दें कि बीजेपी से लेकर तमाम जो विपक्ष दल है वो विपक्ष दल वो तो बुरी तरह से बहिष्कार कर दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे दल है जैसे कि आपको बता दें कि दक्षिण भारत के कुछ ऐसे जो विपक्ष दल है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। उनका कहना है कि ये जो हमारे संसद मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे जनहित का कार्य हो रहा है, ये हमारे देश को एक बहुत अच्छा एक उपहार के तौर से मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी सरकार को ही नहीं संसद मिल रहा है, ये हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक नया संसद जो उपहार के तौर पर मिल रहा है। तो हमें पूरी तरह खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि चाहे राष्ट्रपति करे चाहे प्रधानमंत्री उद्घाटन करे इससे कोई मामला नहीं होता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐतिहासिक दिन है और उसको अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। वही आपको बता दें कि जिस दिन 28 मई को ये उद्घाटन होना जा रहा है वही वीर सावरकर की भी जयंती है, उस पर भी लेकर विपक्ष दलों ने पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेरा। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर संसद का उद्घाटन हो रहा है तो संविधान जो भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर इसको कराना चाहिए, क्योंकि ये
क्योंकि विपक्ष जो है कुछ ना कुछ निकालती रहती है बीजेपी सरकार पे, और ये पूरी तरह से संसद भवन के उद्घाटन का एक मुद्दा बना के ये पूरी तरह से इसका बहिष्कार कर रही है। तो इसमें तमाम जो नेता हैं वो कुछ जो ऐसे नेता है जो बीजेपी सरकार को सपोर्ट कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के जो फैसले को भी सपोर्ट कर रही है। वही आपको बता दें कि हम लोगों से भी, जो लखनऊ के आम जनता उससे भी हम बात करने की कोशिश की, उनका भी यही करना है, कहना है कि हमारे देश में संसद का एक उपहार मिल रहा है, एक नया ऐतिहासिक दिन है उस दिन। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि राष्ट्रपति कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के गौरव जो हर बार हम लोग को प्राप्त करवाते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि अगर राष्ट्रपति भी करते तो कोई हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी भी करते हैं तो हमारे लिए एक गौरवान्वित ही होगा। तो इस तरह से ना आम जनता को कोई परेशानी है और ना तमाम जो नेता है कुछ जो बीजेपी को सपोर्ट में, उनको भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन वही विपक्ष दल जो है राहुल गांधी, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर राष्ट्रपति इसका उद्घाटन नहीं करेंगी तो हम उस समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो ऐसे तमाम जो विपक्ष दल है वो अपनी अपनी अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं और केंद्र सरकार को घेर रही है। जी मयूरी जी, धन्यवाद सुहानी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, नए संसद भवन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।